लस्सी देखकर एक ही आइडिया आता है ना, आज मुझे भी फेविकोल और फेविकोल को देखकर एक ही आइडिया आया, दोनों को मिला दो, क्या पता क्या हो जाए, बम ब्लास्ट हो जाए या कुछ सुपर ग्लू बन जाए, कुछ भी हो सकता है, क्या पता सब्सक्राइब का लोगो बन जाए, कुछ भी हो सकता है यार। तो वीडियो बढ़ते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, भूलना मत। मैंने लिया यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट गिलास। अब क्या करते हैं, इस गिलास में सबसे पहले इस फेविकोल को डालते हैं। मैंने है ना पूरी फेविकोल को इस गिलास के अंदर डाल दिए। इस फेवी क्यूब को इसके अंदर डालना है। यू आर एक्साइटेड सब्सक्राइब करने के लिए। पता है फेविकोल और फेवी क्यूब में क्या सिमिलरिटी है, ये दोनों चिपकती है लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये पूरी दयालु है। तो है ना मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ और देखने वाला हूँ क्या होता है। 3, 2, 1 रुको। ये देखो पूरी चिपक चुकी है, उससे ज़्यादा मेरे हाथों के चिपक रही है। मुझे नहीं पता था कि दोनों को डालने पर क्या होगा, दोनों को मिलाने पर है ना बिल्कुल पत्थर बन चुका है फेविकोल, इससे है ना ये हट नहीं रहा। ये है ना ये आइसक्रीम बन चुकी है बिल्कुल, और ये बिल्कुल है ना पत्थर हो गया है पत्थर। अभी दीवार के मारूंगा ना तो कैसी आवाज़ आएगी, ये बिल्कुल है ना पत्थर हो चुका है। ये होता है जब एक फेविकोल के अंदर फेविक्यूब को डाला जाता है, सुपर ग्लू तो नहीं बना लेकिन ये पत्थर जरूर बन चुका है। जा रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया ना करो, मैं देख रहा हूँ। हाँ अब जाओ।